बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची। दीपिका जब वहां पर पहुंची तो JNUSU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार नारे लगा रहे थे। दीपिका ने मंच पर कोई स्पीच नहीं दी, बस छात्रों के समर्थन में अपनी हाजिरी लगाई है। दीपिका से पूछा गया कि देश की अहम यूनिवर्सिटीज में CAA NRC कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो इस पर कुछ खास राय रखती हैं और आपका इस पर क्या नजरिया है। इस पर दीपिका ने कहा, आई थिंक सबसे पहले जो मुझे कहना था मैंने 2 साल पहले ही कह दिया जब पद्मावत रिलीज हो रही थी। उस वक्त जो भी मैं महसूस कर रही थी मैंने उस पर तभी अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। अब जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता, कोई भी कुछ भी कह सकता है। डर भी लगता है, दुख भी होता है। हमारे देश की जो भी नींव रखी गई थी वो तो नहीं थी। दीपिका पादुकोण ने अपनी छपाक पर खुलकर बात की। दीपिका ने बताया कि एक एसिड सर्वाइवर के लिए सब झेलना बहुत मुश्किल होता है। दीपिका ने इसके अलावा कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।